हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास नाइन्थ हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की जो बुक लगी है छिति, उसमें जो काव्यखंड और पद्य खंड, काव्यखंड और गद्य खंड, ये दो खंड दिए गए हैं। और उस खंड में जो पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। तो आज हम पद्य खंड से शुरुआत करेंगे। पद्य खंड में पहला जो पाठ है उसका नाम है कबीरदास। संत कबीर जो है वो हमारे चैप्टर के पहला चैप्टर है, उसमें वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो संत कबीरदास जो हैं वो संत के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कबीर जी कौन थे, उनकी शिक्षा कैसे हुई, कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता पिता कौन थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी स्थान काशी में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू था, जो एक जुलाहे थे। इन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। दूसरा पॉइंट इसमें है शिक्षा। कबीरदास जी जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, बल्कि वो संत संगत के द्वारा, साधुओं के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। सत्संगत करके और पर्यटन घूम करके उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था, अनुभव के द्वारा किया था ज्ञान अर्जन। इन्हीं के द्वारा उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अगला पॉइंट है इसमें रचनाएं। कबीर जी जो थे, संत कबीर जी, इनकी सिर्फ प्रमुख एक ही रचना थी जिसका नाम था बीजक। बीजक महाकाव्य है, इसको महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इस महाकाव्य में, बीजक में, तीन रचनाओं का संग्रह मिलता है, जिनका नाम है साखी, सबंध और रमैनी। ये तीन रचनाएं हैं जिनको मिला करके उसका इस संग्रह बनाया गया, और उसके संग्रह को बीजक नाम दिया गया है। और इनका अगला जो पॉइंट है वो है विवाह। कबीर जी का विवाह एक स्त्री से हुआ था जिसका नाम था लोई। लोई से इनका विवाह हुआ था और उसी से इनको दो संतानें उत्पन्न हुई थी, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, जो मगहर में हुई थी। इनके बारे में एक प्रचलित है कथाएं कि कहा जाता था जो व्यक्ति मगहर में मरता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, और जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस चीज़ को कबीर जी ने झुठलाने के लिए या असत्य साबित करने के लिए, पहले तो वो काशी में थे, जब उनके मरने का टाइम आया तो अपने मृत्यु समय पर काशी से मगहर चले आए। उन जो समाज में ये गलत भावना प्रचलित थी या लोगों के मस्तिष्क में ये गलत रूढ़िवादिता फैली हुई थी कि लोग काशी में मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और मगहर में मरेंगे तो उनको नरक की प्राप्ति होगी, तो इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए वो अपने अंतिम समय में, कबीर जी अपने अंतिम समय में मगहर चले आए। तो यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। इनके जन्म और इनकी मृत्यु के लेकर के एक दोहा प्रचलित है, उसको 1455 साल गए चंद्रवारिक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। मतलब कि जो साधु संत इनके थे तो उनके विषय में एक दोहा इन्होंने लिखा है कि जो कबीर जी थे ये 1455 विक्रमी संवत में पैदा हुए थे। 1455 विक्रमी संवत पैदा हुए थे और पूर्णमासी को, पूर्णिमा के दिन इन्होंने जन्म लिया था। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कबीरदास की जीवन परिचय के बारे में जाना, पढ़ा, और उसमें उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनका विवाह कहाँ हुआ, किससे हुआ, उनके बच्चे, संत कबीर। हमारे एनसीईआरटी की बुक में संत कबीर जी की जो रचनाएं हैं उसमें से पूरा 7 रचना है, साखियाँ जिसका नाम है, 7 रचनाएं हैं। और उन 7 रचनाओं में आज 2 का अध्ययन हम करेंगे, 2 के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो 5 बचते हैं उसको अगली वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे।
इनकी जो रचनाएं हैं ये दोहे के नाम से जानी जाती है। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वो दोहा छंद को प्रयोग में ला करके किया है। और इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है, सधुकड़ी भाषा है इनकी। इनकी भाषा में किसी एक भाषा को मुख्य आधार नहीं बनाया है, बल्कि कई भाषाओं को मिला करके इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। तो इनकी जो पहली रचना है या इनका पहला दोहा क्या है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराह, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराह, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाहि। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, इंसान जो होता है, इस जो संसार में फंसा हुआ है या संसार जो है ये माया मोह का जाल है या माया मोह का एक तालाब है, एक सरोवर है, जिसमें मनुष्य जिस प्रकार से एक सरोवर में एक हंस अपने पूरे जीवन काल उसी सरोवर में बिता देता है किसी एक की लालच में, उसी तरह से इस माया मोह रूपी सरोवर में, संसार रूपी सरोवर में मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों को दुखों को भोगते हुए संपूर्ण जीवन को अपने इसी माया मोह के जाल में बिता देता है और इससे परे वो कहीं अन्य स्थान पर नहीं जा पाता। ठीक उसी तरह से जैसे एक हंस होता है, इन्होंने अपनी रचना में क्या कहा है, कबीर जी कहते हैं मान सरोवर सुभर जल हंसा केल करा, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाने। जल सुभर मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, जल मतलब पानी। मान सरोवर में अच्छी तरह से पानी भरा हुआ है या फिर मान सरोवर जो है अच्छी तरह से पूरा भरा हुआ है जल से, हंसा केल करा है और उस सरोवर में हंस अपने जीवन भर खेलता हुआ क्रीड़ा करता हुआ अपना जीवन बिता देता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए, और उस सरोवर में उस तालाब में जो मोती है उस मोती को चुनते हुए चुगते हुए, कौन चुग रहा है, हंस चुग रहा है, तो उस सरोवर में मोती को चुगते हुए वह हंस अपने संपूर्ण जीवन को उसी सरोवर में बिता देता है, पूरा कर लेता है और उसको छोड़ करके उसे अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात यह मनुष्य जो होता है इसी संसार में इस माया मोह के जाल में सरोवर में फंसा हुआ अपने जीवन को इसी में बिता देता है, इन्हीं माया मोह के जाल में अच्छे बुरे अपने में बिता देता है, मेरा है अपना है पराया है ये सब के बीच में वो हमेशा फंसा रहता है, इससे परे होकर के वो किसी अन्य की चीजों के बारे में नहीं सोच पाता है। अगला दोहा इनका है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कबीर जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छी प्रवृत्ति का है, अच्छी सोच का है, उसके अंदर गलत भावना नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सद्भावना रखता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, उसकी दृष्टि जो है वो अच्छी है, सद्दृष्टि है, तो उससे मिलने वाले व्यक्ति भी उसी तरह से हो जाएंगे, वो अच्छा रहेगा तो दूसरे के बारे में वो अच्छा ही सोचेगा, और अगर उसके हृदय में अच्छाई नहीं है, बुराई है, तो बुरा ही सोचेगा, उसको बुरा ही दिखाई देगा। मैं बता रही थी कि जो व्यक्ति अच्छा होता है वो दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचता है, और जिसके मन में गलत भावना होती है, दूसरे के प्रति द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, वो दूसरे के लिए भी वही सोचता है। अगर उसके हृदय में अच्छी बातें हैं, वो अच्छा है, नेक सोच का है, अच्छी प्रवृत्ति का है, तो उसको बुरे में भी अच्छाई नज़र आती है, लेकिन अगर वो खुद भी गलत है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसके अंदर अनेकों बुराइयां भरी हुई हैं, तो दूसरे के अच्छे व्यक्ति के बारे में भी बुरा सोचेगा। और हमारे जो संत कबीर जी थे वो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के एक महानायक हुए थे, जिन्होंने समाज में फैली अनेक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की, रूढ़वादिता जो थी और अंधविश्वास जो था, इन सब चीज़ों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, अपने दोहों के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने अपनी इस दोहे में, अपनी इस रचना में क्या बताया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो,
प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कहते हैं कि अगर गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है या फिर उसके अंदर अनेकों बुराइयां है, वह व्यक्ति अच्छे इंसान को खोजने निकलेगा, प्रेम को खोजने निकलेगा, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए जगह जगह ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर मुझे कोई भी प्रेमी, अच्छी सोच का, अच्छे प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। लेकिन जो व्यक्ति खुद ही प्रेम में सराबोर है, खुद ही प्रेम में डूबा हुआ है, अच्छे सोच का है, नेक प्रवृत्ति का है, तो उसको वह प्रेमी व्यक्ति आसानी से मिल जाएगा। बिना ढूंढे ही उस प्रेमी को, उस सच्ची प्रवृत्ति के व्यक्ति को वह इंसान, वह प्रेमी मिल जाएगा। सब विष अमृत हो, और उन दोनों के मिलने से जितनी भी बुराइयां होगी अपने आप ही दूर हो जाएगी। उनके अंदर के सारे जितने भी दोष होंगे, कमियां होंगी, वो सारे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति या अच्छी सोच विचार के लोग मिलते हैं, तो उनके अंदर जितनी भी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, वो सब अपने आप ही दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमने अपने दोहों का अध्ययन किया, इसके बारे में जाना, समझा। बाकी जो 5 दोहे बचते हैं कबीर जी के, उसको हम अपनी अगली वीडियो में अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से फिर पढ़ेंगे।